और हमारे यहाँ ईद का दूसरा दिन है और आज मैं बनाने जा रही हूँ। आज भी मैं हम लोग कहीं नहीं गए, घर में ही हूँ। शायद शाम में हम लोग जाएं। और आप सभी को मेरी तरफ से, तमाम यूट्यूबर्स को, तमाम अहले मुसलमानों को ईद मुबारक हो। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा ब्रेड। ये पिज्ज़ा ब्रेड मैं बनाने जा रही हूँ और ये मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ। दुआ कीजिएगा अच्छा बन जाए। और जो मैंने अपना ओवन है वो मैंने प्री हीट करने के लिए मैंने रख दिया है। तो ये मैंने क्या कहते हैं, ये और मैंने फॉल मैंने बिछा दी है ट्रे के ऊपर और इसके ऊपर मैंने यानी कि सात ब्रेड रख दी हैं। अभी जगह दो की बाकी है, बस इतनी ही काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, अब मैं इस पे लगाऊंगी ये पिज्जा सॉस। इस पे लगाऊंगी मैं पिज्जा सॉस। मैं सारे पे लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैंने जो ये है ब्रेड के ऊपर मैंने सारा सॉस लगा दिया था। मेरा सॉस पिज्जा सॉस खत्म हो गया था तो एक में मैंने चिली गार्लिक सॉस लगा दिया, नो प्रॉब्लम। तो अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये थोड़ी थोड़ी मैं ये चीज डालूंगी। हाँ क्या हुआ नासिर भाई को बोला आ जाओ ना, क्या है? अब वो पूछ रहा है कि रोटी शोटी लानी है नहीं। मैंने कहा मैं देखता हूँ क्या बना रही है। ये तो ब्रेड पिज्जा बना रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने जो है सारे ब्रेड के ऊपर मैंने चीज़ लगा दी है। चीज़ मैं अभी और भी डालूंगी, नो टेंशन। ये जगह बंद नहीं रही है मेरी। ठीक है, अब मैं ये मैंने चिकन बनाई है, चिकन को मैं इसमें करूंगी ऐड। इसे हम मिनी पिज्जा भी कह सकते हैं, ब्रेड पिज्जा भी बोल सकते हैं। सारी चिकन लगा दूंगी तो अब इसके बाद में मैं डालूंगी, ये चिकन मेरी बच गई। तो अब मैं डालूंगी इसको, ये जो मैंने सब्जियां काट के रखी हैं, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये थोड़ी थोड़ी मैं इसके ऊपर डालूंगी। ये हम सब एक साथ इस तरह डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है मैंने ऑलिव, ये मैंने कटिंग करके रखी है, ये मैं डालूंगी।
ये मैंने लगा दिए, इसको हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी चीज, चीज इसके ऊपर मैं डालती हूँ चीज। ये रखी मेरी चीज, मैं चीज ढूंढती फिर रही हूँ। ये है मोज़रेला चीज, आपको कहीं नजर आ रहा है कि ये ब्रेड पिज्जा है। अब मैं डालूंगी इसके ऊपर से ये तो ये चिली फ्लेक्स है, ज्यादा नहीं थे, हल्का हल्का था, हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। अब मैं डालूंगी इसके ऊपर मिक्स हर्ब, जिसमें है ऑरिगेनो और पार्सले। ये गया ओरिगेनो, और इसमें गिर जाएगा हल्का हल्का सा, मैं स्प्रिंकल करूंगी पार्सले। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी चीज और डालूंगी, क्योंकि मुझे चीज मुझे थोड़ी कम लग रही है, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी और डालती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा पिज्जा, और इसको अब मैं रखने जा रही हूँ ओवन में। ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है, तो मैं आपको मिलती हूँ कम से कम 10 मिनट के बाद। तो हेलो फ्रेंड, हमारे जो पिज्जा है वो बनकर रेडी हो चुके हैं, मैं निकालती हूँ ओवन में से। पांच मिनट में और छोड़ती हूँ उसको, हो चुकी है, लेकिन हल्के से थोड़ी सी चीज रहती है अभी मेल्ट होने के लिए। तो मैं मिलती हूँ अभी पांच मिनट के बाद, फिर आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो ब्रेड पिज्जा है वो कैसे बना है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है, एक्सपेरिमेंट मैंने ये फर्स्ट टाइम किया है। अल्लाह ताला मैं कामयाब हो जाऊं। तो ठीक, मिलते हैं पांच मिनट के बाद। तो हेलो फ्रेंड, हमारा जो ब्रेड पिज्जा है वो बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग ये देखिए, मैं आपको बैक से भी दिखाती हूँ। ये है हमारा पिज्जा, ब्रेड पिज्जा।